मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूँ जेपी सेज में, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड के युवा सिंगर रोहित चौहान। नमस्कार सर, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे सोशल बलूनी क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट मैच हो रहा है और रोहित चौहान जी वही मैच देखने के लिए आए हैं, तो हमने उनसे गुजारिश की थोड़ा सा बात करनी की, और काफ़ी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो उन्होंने तुरंत मान गए। तो चौहान जी कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत बधाई दून क्रिकेट एकेडमी को। और मैं भी स्पेशली क्रिकेट का बहुत ज़्यादा ही शौकीन हूँ। हमने भी वैसे मैच में आना था बट मुझे किसी काम से एक हफ्ते के लिए जाना है बाहर, तो इसलिए हमारी टीम नहीं आ पा रही है, बट शायद और लोग आएँ। और मैं खुद बहुत शौकीन हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं और आगे भी ऐसे इवेंट्स बराबर होने चाहिए, और बहुत बहुत बधाई दून एकेडमी को। काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं मेरे, आपको हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, बहुत पहले से, बचपन से देख रहे हैं, आपके बचपन से, हमारे बचपन से हम आपको देखते आए हैं। तो संगीत का सफ़र कैसा लगता है आपको, जो चेंज आया अभी तक? बिल्कुल, संगीत का सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से, लगभग 2004-5 से उत्तराखंड पहाड़ी गीतों के लिए काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, लोगों का प्यार मिलता है बराबर, तब भी मिलता था, और भगवान की कृपा से, बद्री विशाल की कृपा से आज भी लोग हर गाने को बहुत प्यार देते हैं, तो सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट वीक हम एक गढ़वाली फिल्म देखने गए थे, अशोक चौहान जी की फिल्म है खैरी का दिन, आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रही थी और आप भी देखने गए थे शायद। गढ़वाल में फिल्म इंडस्ट्री पनप क्यों नहीं पाई, आपको क्या लगता है? पनपने के तो बहुत से कारण हैं, बट सबका अपना अपना अलग मायने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिक्चरें ज़्यादा स्केल में बनती रहेंगी और थोड़ी अलग कॉन्सेप्ट के साथ आएंगी। मैंने जहाँ तक अभी देखा है, काफ़ी सालों में बहुत सी मूवीज़ जो आई हैं वो लगभग सारी 90% सेम कॉन्सेप्ट में ही हैं, बट लोगों को आज के टाइम में बहुत चीज़ें मूवी से चाहते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट हो, गाने हो, मौज मस्ती हो, वो भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हर चीज़ के साथ साथ उन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो शायद आगे ज़रूर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, मूवीज़ इंडस्ट्री। और आपने इंडस्ट्री को अपने सामने चेंज होते देखा है? पहले शायद एक टाइम था जब शायद लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, आई डोंट थिंक आपके टाइम पे थी, नहीं थी, लेकिन उससे ठीक पहले जब कल्पना मैडम जो आपकी मदर हैं वो भी बहुत ही रिनाउंड सिंगर हैं, उनके समय से लेके आप लगातार देखते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं? हाँ, जैसे जैसे देश भर में, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली हमें भी उसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, बहुत चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, बहुत कम्फर्टेबली आप गा सकते हैं, बट हाँ, मशीन्स और इन सब के बेस पे आप थोड़ा सा अच्छा गा सकते हैं, बट अगर आपके अंदर टैलेंट होना सबसे इम्पोर्टेंट है पहले, तो उसको आप आज की टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा और निखार सकते हैं। और आपके गाने, आपने जो पुराने गाने थे काफ़ी हिट होते एक टाइम पे, अभी आप लगभग सभी गानों का रिमेक बना रहे हैं थोड़ा चेंजेस के साथ में, मॉडर्न पीढ़ी के हिसाब से, तो ये एक सोचे समझे तरीके से है या आप रेंडमली को सेलेक्ट कर रहे हैं? ऐसे सभी गानों के तो नहीं, मैंने बहुत गिने चुने गानों के रीमेक बनाए हैं, और जो मेन उस टाइम पे बहुत हिट थे उनके मैंने अभी रीमेक बनाए ही नहीं। तो ये है कि जो मुझे लगता है कि हाँ, उस टाइम पर उन गानों को वो फेम नहीं मिल पाया और वो गाने और अच्छे से हो सकते थे, वो गाने मैंने फिर से बनाने की कोशिश करी, और बस यही है। बट हर गाने नहीं, बट वो बहुत ही सेलेक्टेड और लिमिटेड है कि मैं जो गाने नए रीमेक बनाए होंगे 3 या 4 मुश्किल से बनाए होंगे, तो बस यही कोशिश है कि क्योंकि मेरे साथ जो जनता है वो उस टाइम से जुड़ी हुई है, तो वो चाहते हैं कि वो गाने फिर से उनके सामने नए तरीके से आएँ, तो इसलिए वो कोशिश रहती है कि उन लोगों तक वो पहुँचे, मॉडर्न पीढ़ी के हिसाब से उनको एक नए कलेवर में पेश कर रहे हैं। जी। और कोई नए प्रोजेक्ट आपके जो आने वाले हैं? नए प्रोजेक्ट अभी काफ़ी सारे आने वाले हैं, लाइनअप हो रखे हैं, अभी टाइटल और ये सब सेलेक्ट नहीं हुए हैं, नहीं रखे हैं, तो जैसे ही वो होंगे तो आप सबको ज़रूर पता लग गया। और अभी एल्बम्स ना आके सिंगल्स ज़्यादा आ रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो कुछ फ़ायदा मिला है उसका? बिल्कुल मिला है, क्योंकि अब रीच सारी जनता सब यूट्यूब पर ही है, तो हमें भी उसी पर आना पड़ेगा, और आज के टाइम में हमारे पहाड़ी गानों को भी इतने मिलियंस, लाखों, करोड़ों लोग देखते हैं, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री ने ग्रो किया है उत्तराखंड। और लोग जो आपके गानों पर रोस्ट बनाते हैं, वीडियो हमने बनाए हैं, तो उनके बारे में कुछ कहेंगे? रोस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, मेरे को रोस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि रोस्ट के लिए भी आप उन्हीं लोगों को ही उठाओगे जो कुछ होंगे, तो ऑब्वियसली अगर हमारे आड़ में अगर और लोगों का भी फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। आपसे मुलाकातें नहीं हो पाई थी, आपके बारे में सुना, बहुत अच्छा था। आप नेचर चेंज कर देंगे, आप कैसे ही है? नहीं, मेरा नेचर ऐसी है, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कैसा हूँ,
तो मैं ऐसा ही हूँ जैसे आपको दिखाऊंगा। जी जी, सभी लोग वही कहते हैं कि कोई अगर इजी एक्सेसिबल तो रोहित चौहान ही है। अब आप कॉन्टैक्ट नंबर पर था नहीं वरना आपसे डायरेक्ट मिलते। और जो क्रिकेट है यहाँ पे, जो देहरादून में क्रिकेट है, तो उसके लिए कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अगर दो शब्द हो जाए। क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए यही सब है कि बहुत अच्छा हो रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट, आगे भी होते रहने चाहिए, मैं तो ये उम्मीद करूँगा, क्योंकि मैं इस बार ही नहीं खेल पा रहा हूँ, तो कोशिश है अगली बार ही होंगे तो मैं ज़रूर खेल पाऊँगा। हम लोग भी एक छोटी सी क्रिकेट अकेडमी चलाते हैं, हमारे पास छोटे बच्चे हैं 8 साल से लेकर 12 साल के, तो लिटिल स्टार क्रिकेट अकेडमी, तो एक बच्चों के लिए थोड़ा मोटिवेशनल मैसेज अगर आप दे दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, जो इच्छुक हैं, जो लोग क्रिकेट को चाहते हैं, जो क्रिकेट को परस्यू फॉलो करना चाहते हैं, वो ज़रूर अकेडमीज ज्वाइन करें और अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें। थैंक यू रोहित भाई, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।